तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी और आप तक साझा कर दे कि आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र उसकी शुरुआत होने जा रही है और ये सत्र 26 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा का मानसून सत्र सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी और आपको बता दें कि सत्र के पहले दिन सदन में हंगामे के पूरे आसार यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। बालोदबाजार हिंसा पर स्थगन प्रस्ताव भी विपक्ष पेश कर सकता है। तो छत्तीसगढ़ से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, जहां आज विधानसभा का जो मानसून सत्र है आज उसका सरकार उसको पेश करेगी। हंगामे के आसार यहां पर लगातार बने हुए हैं और सरकार अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। सत्र के पहले दिन लगातार सदन में हंगामे के आसार बने हुए हैं और जिस तरीके से हमने कुछ ही दिन पहले देखा था कि बालोदा बाजार की हिंसा और बालोदा बाजार हिंसा पर स्थगन प्रस्ताव भी विपक्ष ला सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए अपडेट हम तक साझा करेंगे। अंकुश हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। अंकुश, फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि अपडेट और जानकारी ये मिल रही है कि जो आज का जो सत्र है, जो सत्र पेश होने वाला है, सरकार जो सत्र पेश करेगी, हंगामे की भेंट भी चढ़ सकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है और आज से शुरू हो रहे ये जो सत्र है वो 26 तारीख तक चलेगा। पहले दिन की अगर बात करें तो पहले दिन सुबह 10 बजे से ही हलचल तेज हो जाएगी, क्योंकि कार्य मंत्रणा की बैठक जो है वो सुबह 10 बजे शुरू होगी और कार्य मंत्रणा की बैठक के बाद जब 11 बजे से सत्र की शुरुआत होगी तो शुरुआत में सबसे पहले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी और पहले ही दिन जो प्रश्नकाल रहेगा शुरुआत में 11 बजे से 12 बजे तक, उस प्रश्नकाल में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्री टंकराम वर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप के विभागों से जुड़े हुए सवाल लगाए गए थे। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े हुए भी सवाल लगे हैं। एक घंटे का जो प्रश्नकाल रहेगा उसमें सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब देती हुई नजर आएगी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हंगामे जैसे आसार जो है वो देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होने के पहले विपक्ष ने तैयारी की है, उस लिहाज से स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि विपक्ष इस बार पूरे तरीके से तैयारी में है कि वो सत्ता पक्ष को घेरेगी। और हंगामे की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो विपक्ष के हाथों लगे, जैसे अगर हम बात करें तो बलौदाबाजार हिंसा वाले विषय पर भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। कबीरधाम में जो हत्या का प्रकरण सामने आया था उस प्रकरण पर भी कहीं ना कहीं हंगामा हो सकता है, क्योंकि ध्यानाकर्षण की अगर बात करें तो भाजपा के विधायक खुद अपने ही सरकार के मंत्रियों का ध्यान आकर्षण करते नजर आएंगे, जिसमें कबीरधाम का विषय जुड़ा हुआ है, तो वो विषय कहीं ना कहीं विपक्ष लपक सकता है। और अन्य विषयों की अगर बात करें तो अनुपूरक बजट की तैयारी में सरकार है और अनुपूरक बजट के साथ साथ अगर देखें तो मानसून का सत्र पूरी तरीके से किसानों के लिए डेडिकेटेड सत्र होता है, तो किसानों के लिहाज से छत्तीसगढ़ सरकार कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेकर आ रही है और उस महत्वपूर्ण डिसीजन के माध्यम से प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने की कोशिश यहां पर सरकार करती हुई नजर आएगी। वैसे सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र की जो बैठकें हैं उन बैठकों में पूरी तरीके से हंगामे के आसार यहां पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने अपनी पूरी तैयारियां करके रखी हैं। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी अपनी विशेष तैयारियां की हैं कि जितने भी विषय विपक्ष उठाएगा उनका पूरी तरीके से जवाब दिया जाए और जवाब के माध्यम से विपक्ष को भी संतुष्ट किया जाए। फिलहाल तमाम अपनी अपनी तैयारियां हैं और कुछ ही देर बाद जब सत्र की शुरुआत होगी तो अलग अलग तस्वीरें विधानसभा के सत्र के दौरान देखने को मिलेंगी। बिल्कुल अंकुश, लेकिन जिस तरीके से भी आपने जिक्र करा कि सरकार किसानों को लेकर भी कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें तो यह अनुपूरक बजट आम जनता के लिए, छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है उनके लिए कितना खास, कितना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, जितने भी सत्र होते हैं, चाहे हम शीतकालीन सत्र की बात कर लें, मानसून सत्र की बात कर लें या बजट सत्र की बात कर लें, तो तमाम सत्रों के माध्यम से सरकार की पुरजोर कोशिश होती है कि वो हर एक वर्ग को साधने की कोशिश कर सके, हर एक वर्ग को लाभान्वित करने की कोशिश कर सके। क्योंकि बजट सत्र में प्रदेश की जनता को बहुत सारी सौगातें देने की कोशिश सरकार ने की थी और अब मानसून सत्र के माध्यम से किसानों को भी सौगातें देने की कोशिश यहां पर सरकार करती हुई नजर आएगी। स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ किसान प्रधान प्रदेश है और किसान अगर मजबूत होगा तो किसान की मजबूती का सीधा असर प्रदेश की हर एक वर्ग के लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा।
आम लोगों की अगर बात करें तो सरकार की हमेशा कोशिश होती है कि लोगों के लिहाज से ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे लोगों को लाभ मिल सके। मानसून सत्र की अगर बात करें तो मानसून सत्र चूंकि सत्र की समय अवधि छोटी है, ऐसा विपक्ष का आरोप है, लेकिन उस छोटी समय अवधि में सरकार की पुरजोर कोशिश होगी कि वो हर एक वर्ग को कुछ ना कुछ देने की दे सके और जिससे लोगों को लाभ मिल सके। अगर हम बात करें तो अलग अलग विभागों के माध्यम से, चूंकि अभी हाल ही में शिक्षा सत्र शुरू हुआ है और नए नए शिक्षा सत्र के दौरान अब चूंकि शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पास वो विभाग है, आज उनके उनके विभाग से जुड़े हुए कई सवाल भी लगे हुए हैं। सवालों का जवाब देने के साथ साथ कोशिश ये होगी कि शिक्षा के लिए बेहतर कदम जो है वो सरकार उठा सके, स्कूलों के लिए विशेष व्यवस्थाएं सरकार कर सके ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। कई तरह की बातें हैं इस सत्र के माध्यम से, प्रदेश की जनता को लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। और अगर हम बात करें अन्य वर्ग की, जैसे हम कर्मचारी वर्ग की ही अगर बात कर लें, अनियमित कर्मचारियों की ही बात कर लें, अभी हमने देखा है कि धरना प्रदर्शन इस बिल्कुल बिल्कुल अंकुश बेहद खास बजट माना जा रहा, अनुपूरक बजट, लेकिन देखना होगा क्या कुछ फैसले यहाँ पर सरकार द्वारा लिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।